हेलो गाइस, दिस इज़ पंकज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ईआर पंकज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक 4 चैनल 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल को हम आर्डिनो नैनो की मदद से कैसे कंट्रोल करेंगे एक पुश बटन से। जी हाँ, सिर्फ एक पुश बटन से हम रिले के सभी चैनल्स को कंट्रोल करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड पे आर्डिनो बोर्ड को लगाएंगे। इसके बाद हम लगा देंगे पुश बटन। ये हमारा पुश बटन लग गया। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन के लिए पुश बटन का एक पॉइंट जो है हम ग्राउंड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, रिले के सॉरी आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। और पुश बटन का दूसरा पोर्ट जो है वो हम पिन नंबर 2 में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 नंबर पिन जो है हमारे यहाँ इनपुट पिन है, इसलिए 2 पे कनेक्ट करेंगे इसको। अब हम रिले मॉड्यूल का कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा रिले मॉड्यूल है 4 चैनल का। इसमें ये राइट कॉर्नर VCC का है, लेफ्ट ग्राउंड का, और बीच वाले 4 जो है इनपुट के पिन्स हैं, इनमें हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारा फीमेल जैक लगा लेते हैं इसमें। इसकी चारों इनपुट पिन है, पिन नंबर 3, 4, 5, 6 में कनेक्ट हो जाएंगे आर्डिनो बोर्ड में। ग्राउंड के हम ग्राउंड के साथ कर देंगे कनेक्ट। और VCC के पिन जो है 5 वोल्ट में कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा रिले मॉड्यूल 5 वोल्ट का है इसलिए। अब हम डेटा केबल लगा लेते हैं इसको प्रोग्रामिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना कोड लिख लिया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है काउंट, जिसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दी है 0। उसके बाद हमने 2 नंबर पिन को इनपुट पुलअप डिफाइन कर दिया है। इनपुट पुलअप का मतलब है ये पिन इनिशियल स्टेट में हाई रहेगी, इसकी वैल्यू हाई रहेगी, और जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू लो हो जाएगी। हम पुश बटन इस 2 नंबर पिन से ही अटैच करने वाले हैं। उसके बाद पिन नंबर 3, 4, 5, 6 को आउटपुट डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद वॉइड लूप में हम अपना मेन प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ एक वेरिएबल लिया है वैल, पिन नंबर 2 की भी वैल्यू रीड करेंगे, हाई है या लो। इसमें हमने इफ कंडीशन लगा दी है, इसमें ये चेक करेगा वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू जो है 0 है तो इसमें काउंट 1 कर देगा, एक नंबर ऐड कर देगा। इसके बाद स्विच की स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, स्विच केस 1, अगर हम एक बार प्रेस करते हैं बटन को तो 3 नंबर पिन हाई हो जाएगी, अगर हम 2 बार प्रेस करते हैं तो 4 नंबर पिन हाई हो जाएगी, 3 बार प्रेस करते हैं तो 5 नंबर हाई, 4 बार प्रेस करते हैं तो 6 नंबर पिन हाई हो जाएगी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टेट जो पिन की है लो रहेगी सभी पिन की,
और 5 बार प्रेस कर देते हैं, क्या होगा? 4 बार प्रेस करने के बाद हम 5वीं बार प्रेस करते हैं तो क्या होगा? काउंट की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी और प्रोग्राम फिर से दोबारा लूप करेगा। उसके बाद हम डिले देते थे 200 मिलीसेकंड का, जिससे प्रोग्राम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, अब इसको अपलोड करेंगे। बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। यह हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, बटन प्रेस करके देखेंगे। अब ये देखिए, बटन प्रेस किया तो रिले ऑन ऑफ हो रही है। एक बार प्रेस किया, एक बंद हो गई, 2 बार किया, 2 बार बंद हो गई दोनों, 3 बार प्रेस किया, तीसरी बंद हो गई, 4 बार करेंगे चौथी बंद हो जाएगी। अब रिले से कोई भी चीज़ अटैच करके इसको ऑटोमेटिक चला सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।